संजीव बैशियस व्लॉग। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गुवाहाटी में और आज है ऑल स्टार नेशनल डांस चैंपियनशिप का गुवाहाटी ऑडिशन। तो मैं रेडी हो चुका हूँ चलने के लिए वहाँ तक डिग स्टूडियो। तो यहाँ आज बारिश हो रहा है तो फिर भी निकलते हैं क्योंकि 10 बजने वाला है और शुरू होने वाला है शायद। तो पहले पहुँचते हैं वहाँ, दिखाते जाएंगे कहाँ है स्टूडियो और क्या होता है इसका दिन। चलिए से निकल के खड़े हैं। दरअसल कल ही गुवाहाटी पहुँच गए थे, दीदी के घर में था मैं और मेरा जो टीम है वो थे होटल में रुके थे। अभी रेपिडो बुक किया और वो आ रहे हैं तो मैं यहाँ से रेपिडो में जाऊँगा सीधे डिग स्टूडियो। तो चलते हैं। अभी बारिश थोड़ा जोर से गिरने लगा है। तो पहुंच गया धीरनपड़ा तिनियाली और यहाँ पे है वो रहा ऊपर डिग स्टूडियो। वापस जाएंगे और थोड़ा बहुत भीग भी गया क्योंकि बारिश हो रहा है बहुत। तो ऊपर स्टूडियो तक जाने के लिए मैं पहुंच गया एक गली में जहां पर एक बड़ा सा गेट है। चलते हैं अंदर। तो सीढ़ियाँ मिला और सीढ़ियों से ऊपर चलते चलते दिखाई पड़ा हमारा सोसाइटी का यानी कि ऑल स्टार नेशनल डांस चैम्पियनशिप का बैनर। और ऊपर थोड़ा चढ़ते ही फिर और एक बैनर और यहाँ से हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच गए और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का चल रहा है। तो हम पहुँच गए स्टूडियो। यहाँ पे हमारे सोसाइटी के सारे लोग मिल गए। अभी स्टार्ट करेंगे ऑडिशन गुवाहाटी में। बहुत ही सुंदर मौसम भी है और जगह भी है और उस पर बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो देखिए सारा लोकेशन, देखिए पूरा चारों ओर पहाड़। तो चलिए स्टूडियो का अंदर दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे सहानी जी बैठे हैं और मार्टिंदा भी है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो बहुत ही सुंदर स्टूडियो है और यहाँ पे काम चल रहा है यानी कि पोस्टरिंग का बैनरिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे राजू भाई काम कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर सा स्टूडियो है और हमारा काम भी ख़त्म हो चुका है यानी कि सब कुछ सेटिंग हो चुका है। अभी कॉन्टेस्टेंट आएंगे और जज भी आएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑडिशन का कार्यक्रम। तो थोड़ा मैं घूम फिर के देख लेता हूँ इधर उधर। स्टूडियो के खिड़की के जस्ट बगल में ही एक आम का पेड़ है जहाँ पे आम ही आम लगे हुए हैं। আমার এই গুহাটির এজন আমার খুব
পার্টনার আছে তেখেত অবিহনে আজি এই দিনটোলৈ আমি অসমত কৰিলোঁ হয় যিমানে ফেন্স কম সিমানে কম হ'ব তেওঁলোকৰ চচাইটিৰ লগত জড়িত আছে আমি গুৱাহাটীত ক'বলৈ গ'লে একো কথাই কোৱা নাছিলোঁ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে তেওঁ আমাক উপলব্ধি কৰি আছে আৰু তেওঁ যদি আমি প্ৰিন্সিপেলকৈ হ'লেও সম্বোধনা কৰা নাছিলোঁ চ' সন্মান ৰাখিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু খুবেই কম হ'ব তথাপিতো আমি আমাৰ ঠাকুৰ ছাৰক আজি ইয়াত আমাৰ पूरा उद्देश्य एयरपोर्ट में स्टार्ट किया था वैसे ही स्टार्ट था मतलब ठीक है बीच में हिला नहीं पड़ना चाहिए है ना तो मेरा ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ आपको तो मेरा भी ऐसा हो जाएगा ऑडिशन हो गया ख़त्म अभी लंच हमारा ऑडिशन ख़त्म हो चुका है और हम लोग वहाँ से निकल आए बाकी मेंबर्स जाएंगे अपने घर और मैं रहूँगा गुवाहाटी में कल यहाँ से निकल जाऊँगा तो चलिए मैं उतर गया ये लासित घाट पे और यहाँ से जाऊँगा मैं सिलपुगड़ी जहाँ आज रहूँगा कल सुबह निकलूँगा यहाँ से तो मेरे बाकी साथी लोग चले गए और वो लोग पलटन बाजार जाएंगे यहाँ से वहाँ से ट्रेन से जाएंगे घर तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक लिए बाय बाय।